आज एक्चुअल में जब आपका नंबर आया ये ट्रांसप्लांट करवाने का, तो कैसा फील कर रहे हैं? काफी अच्छा लग रहा है। और फैमिली में भी मेरे बिग ब्रदर ने करवा रखा है, और ऐसा कुछ डरसाने भी नहीं लगा कि ओटी में जाना है, ये है वो है। हेयरलाइन भी काफी इन्होंने अच्छी बनाई है मेरी, और आपको ही देख के मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मन किया बस। अच्छा। और तो कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैं शायद कभी करवाता भी नहीं। तो कुछ और रीजन होता है, जैसे कई लोगों के रीजन रहते हैं कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। मेरे सब्सक्राइबर आए हैं मेरे अपनी पीआरपी करवाने के लिए, कुछ टाइम पहले हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया था, उसका रिजल्ट अभी हम देखेंगे, बातें करेंगे पीआरपी के हो जाने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों आप इन्हों को जानते ही हैं, हरीश भाई जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। मैंने इनसे बोला कि मास्क मत लगाओ, मास्क उतार दो। कहते पहले भी मैंने मास्क लगाया हुआ था, अब भी मास्क लगाऊंगा, वरना लोग पहचान नहीं पाएंगे कौन बंदा है। तो इन्हों का 6 महीने हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट को। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस रखे, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब इतने बेहतरीन बाल आ गए हैं तो इन्हों की अब लाइफ कैसी हो गई है, क्या है। तो हरीश जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है चैनल के अंदर। आप बताएं अपने बारे में पहले थोड़ा सा, फिर और बातें पूछते हैं। लगभग मुझे 6 महीना हो गया है, और ट्रांसप्लांट के दिन के बाद, मतलब उस दिन के बाद मैंने काफ़ी अपने आप सर को बहुत केयर की है, बहुत ज़्यादा, बहुत। 15 से 20 दिन तो लगा लो के, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ, मैं आराम आराम से चलता था भी घर पे भी, कि कहीं कुछ टच ना हो जाए, जैसे हेल्दी लगी है। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे कि हेड शेव, हेड वॉश हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथ लगाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी मेरी, फिर उसके बाद पीआरपी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताइए शेडिंग होता है थोड़ा बहुत, फिर प्रॉब्लम हुई ये क्या हो रहा है, थोड़ा अजीब सा लगता था, सर भी बहुत गंदा दिखने लग गया था, आधे बाल होते थे आधे बाल नहीं होते थे। फिर आपसे भी कंसल्ट किया था, फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, तो हाँ फिर धीरे धीरे करके 3 महीने के अंदर मेरा शेडिंग फेज 3 महीने से पहले ही ख़त्म हो गया था। वैसे तो मेरा 3 महीने में बिल्कुल ही बंद हो गया था लगा लो। अच्छा। और बाल भी मतलब सारे ही आ गए थे, सारे आ गए। फिर उसके बाद फिर मेडिसिन ले ही रहा था, फिर पीआरपी भी लिए, एक पीआरपी सेकेंड मंथ में ली थी, फिर थर्ड मंथ में ली थी, फिर जनवरी में कोरोना का कुछ दिक्कत हो गई थी। तो मतलब कहने 2 PRP लिए अभी तक, 2 PRP मई आ गया है, ये मई आ गया। अच्छा ठीक है। फिर 1 महीने से मैंने मेरे बाल ना थोड़े झड़ रहे थे। अच्छा। फिर मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, ऐसा है, और पीआरपी मेरी हो नहीं रही है। हाँ। क्योंकि जा नहीं पाते थे, ये है वो है, मतलब काम को भी लेके होता था। फिर आपने फ़ोन करके बताया था कि आ कल मिलना मुझसे, मैं कल तुम्हारी पीआरपी कराता हूँ। हाँ। फिर मेरे घर के पास ही आप आए हो और पीआरपी मेरी करवा रहे हो आज, अच्छा लग रहा है। काफी कटिंग भी करा ली है मैंने इस बीच में, 6 महीने के अंदर कम से कम लगभग मैंने 6 कटिंग करा ली है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाल बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, वो बताओ, वो लोगों की तरफ देख के बताओ, इनकी तरफ कैमरे में। बाल तो बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 महीने आपको ऐसा लगेगा बहुत अजीब सा लगेगा, महसूस होगा, बट आप ना थोड़ा चीजें ना फेस करो, जैसे कि लोग होते हैं कि गंजे हो जाते हैं, कैप पहन लेते हैं, या ट्रांसप्लांट करा लिया, ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर कैप पहन के घूम रहे हैं। तुम बिना कैप के घूमो क्या दिक्कत है, अगर तुम पूरे गंदे हो जाओगे तो वैसे भी तो घूमोगे। तो मैं शेडिंग फेज थी मेरी, शेडिंग फेज के बाद भी मैंने अब तक एक बार भी कैप नहीं लगाई है, कभी फेस को सर को ढका भी नहीं है, धूप में मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। वो आज मैं गलती से आया हूँ धूप में निकल के, लेकिन मैं धूप में बहुत बहुत कम जाता हूँ, बहुत रेयर एकदम। अच्छा, तो मैं इनको एक मिथ दूर कर दूं, धूप धूप में जाना सब कुछ अलाउड है। अच्छा, आज जब मैंने इन्हें बुलाया ना फ़ोन करके, तो बोल रहे कि एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं कैसे आऊँ। फिर बोले मेरे पास बाइक है, बाइक से आ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने बोला भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बाइक से, मैं खुद बाइक पर घूमता हूँ पूरे दिन, क्रिकेट खेलता हूँ, जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और बाल अभी भी 5 साल बाद भी ओके रिपोर्ट है मेरे बालों की भी।
ठीक है, तो डरना नहीं है पहली बात है धूप से, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ना जो कर सकते हो वो सब करो, सब चीज़ों का सामना नहीं करोगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाए, करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई अभी बताओ, मेरे को बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट, आपको बताना पड़ेगा हर किसी को कि देखो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है, वरना पहचान नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि हाँ लोग पहचानते हैं, बोलते हैं कि अरे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, पहचान लेते हैं नहीं पहचानते हैं? नहीं, बहुत से लोग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन जिनको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता है और जो गंजे हैं या फिर वो तो बता देते हैं कि तुमने कुछ करवाया बालों में या क्या कराया क्या नहीं कराया, हेयर ट्रांसप्लांट लग रहा है, ये नहीं कहते हेयर ट्रांसप्लांट ही कराया, ताकि लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट ही कराया होगा आपने, नहीं तो कोई बता नहीं पाता है, घर वाले वर वाले हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, नहीं कोई बता पाता है, मेरे ऑफिस में बता नहीं पाता है। चलो ये तो अच्छी बात है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और हेयर ट्रांसप्लांट से बाल आ रहे हैं, वरना 99% लोग तो इंडिया के अंदर ऐसे ही हैं, वो आज भी कोई ना कोई तेल ढूंढने के में लगे हुए हैं कि कोई तेल ऐसा मिल जाए जिससे बाल आ जाए, 99% लोग, और दवाइयों के ऊपर भरोसे बैठे हुए हैं, सेवन ग्रेड के लोग तेल के भरोसे बैठे हुए हैं, कोई मंत्र मार रहे हैं और किसी से इसके बाल नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं भाई, आप किसी भी कुछ भी मंत्र मार लो, कोई से भी तेल लगा लो, कोई सी भी दवाई यूज़ कर लो, आपके बाल जो अगर बाई चांस आ भी गए, बाई चांस आ गए तो टेम्परेरी आएंगे, दोबारा झड़ जाएंगे, उस जितनी स्पीड में आएंगे उससे 50 गुना स्पीड में जल्दी बाल झड़ेंगे आप लोगों के, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ जिसने 7 साल तक मेडिसिन ली, तब भी उस दौरान भी बाल झड़ते रहे, हर तरीके की मेडिसिन ली, हर तरीके का तेल लगाया भाई। मेरे पापा जो है सरकारी नौकरी में थे और मेरे को ना पैसे खर्च नहीं होते थे, मेरे पापा के रिम्बर्स हो जाते थे, तो इस चक्कर मैंने महंगी से महंगी दवाई ली, मैं कहता डॉक्टर लिखते हैं कि लो 200 रुपए वाली दवाई ले लो, मैं कहता 1000 वाली लिखो क्योंकि पैसे तो भाई जान है ना, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे दिखाया, सब कुछ करवाया लेकिन बाल नहीं रुके। हेयर ट्रांसप्लांट करवाया पिछले 5 साल पहले, 4.5 साल हुआ एग्जैक्ट बोला जाए तो, करवाया, करवाने के बाद आज की तारीख में बहुत अच्छा फील करता हूँ, आपके तो मेरे से ही बहुत ज़्यादा बढ़िया हुए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी नहीं आती जा रही है, जैसा मैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है ना, अब उससे अच्छा ही मेरे सब्सक्राइबर लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। आप बोलोगे कि मेरे थ्रू जा सकते हैं कुछ हो या नहीं जा सकते, करवाएं या ना करवाएं? देखो मैं तो कभी कराता ही नहीं, पहले वीडियो में बताया मैंने, मैं तो कराता ही नहीं कभी हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन इनकी वीडियो देख के ही मुझे पहली बात हिम्मत आई थोड़ी सी फिर इनसे जब बात हुई तो उसके बाद तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हमको, मतलब मुझको बता रहा हूँ मैं अपनी, कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कर दिया, कि डरने वरने वाली बात नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, दर्द भी नहीं होता है, ये होता है वो होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मोहित जी की वीडियो देखो आप, और मेरे थ्रू करवाओगे तो इनके थ्रू कराओगे तो देखो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, मेरा तो अच्छा आ रहा है रिजल्ट, बहुत अच्छा आ रहा है, अभी तो पूरा भी नहीं आया शायद, लेकिन हाँ जितना भी आया ना मेरे को, इतना भी आया ना तो बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं, उससे ऊपर भी चाहिए नहीं, अगर आए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो 6 महीने में रिजल्ट आया इनका, अभी ऐसा अभी 2 महीने में और रिजल्ट आएगा है ना, दोबारा से आपको जूम करके बड़ी वीडियो दिखा देता हूँ, अभी 2 महीने में और रिजल्ट आएगा, डेंसिटी थोड़ी 10-15% के अराउंड और बढ़ती हुई आप लोगों को दिखेगी इनो की, मिले अब फ्यूचर में तो फिर से दिखाऊंगा मैं, आज तो पीआरपी है इनो की, पीआरपी के बाद ये घर चले जाएंगे, मैं घर चलाऊंगा। डोनर एरिया बताओ, डोनर एरिया में लोगों को पता लग पाता है या नहीं लग पाता? देखो अगर आप बहुत छोटे बाल रखोगे तो पता लगेगा, लेकिन जितने नॉर्मल बाल होते हैं लोगों के उतने रखोगे तो मतलब नहीं पता लग पाएगा, बिल्कुल ही कम करा लोगे, जीरो करा लोगे तो ऑब्वियसली कोई भी बता देगा कि यार तुम्हारे आधे बाल झड़ रहे, यहाँ से कुछ हो रखा है, यहाँ के बाल ठीक है, यहाँ के बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल स्किन वाले जीरो नंबर कटवा दो पता लग जाएगा, पता लगेगा। लेकिन हाँ जितने थोड़े बहुत मतलब लगा लो कि 2 नंबर है, 3 नंबर, 3 नंबर तक, 3-4 नंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके जितने बड़े आपके, मेरे भी छोटे बाल हैं, आपके भी छोटे बाल हैं, है ना, तो हम दोनों के छोटे बाल हैं और हम दोनों के में पता नहीं पता नहीं पाएगा, नहीं पता लग रहा, बाल बहुत छोटे हैं, इससे छोटे क्या ही कराएगा बंदा, इससे छोटे मत कराओ, इससे छोटे कराते बहुत से लोग करा लेते हैं, बिल्कुल 0-0 करा के अपना कटिंग उनका आजकल ऐसी हो रही है आजकल तो फैशन के हिसाब से और हमने भी फैशन के हिसाब से अपने बाल उगाए। हाँ और बात ऐसी है कि इनके जैसे बाल हैं कि इनके जैसे कि थोड़े पुराने हो गए हैं, 5-6 साल पहले की बात है इनकी, मेरे अभी है, ये बता रहेगा कि पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है, हर साल हर महीने हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इस वजह से ही ऐसा है कि आपकी डेंसिटी में और मेरी डेंसिटी में अंतर है, बहुत अंतर, देखो कितना अंतर है, पास आके दिखाने लोगों को, देखो मेरी डेंसिटी देखो, इनकी डेंसिटी देखो, इसके देखो, इसके कैसे बाल करवाए, इसके मैंने करवाए हैं, मेरे किसी और ने करवाए थे,
और देख लो कितना अंतर है, दिख रहा है ये देखो, यहाँ पर से तो लगभग सेम है लेकिन यहाँ से थोड़ा गैप गैप आपको नजर आएगा। छोटे भी है, हाँ छोटे भी है, छोटे भी है, इनका बता ही नहीं सकते ये ट्रांसप्लांट हुआ नहीं हुआ। देखो ये देखो, आप बता दो कहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है कहाँ पर नहीं हुआ है, बता ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप बेझिझक करवा सकते हैं, लेकिन अच्छा क्लिनिक चूज़ करना। चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने अपना नंबर वीडियो पे दिया हुआ है, आप लोगों को बता दूंगा। और हाँ, क्लिनिक बताने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। अच्छा क्लिनिक वाली बात नहीं है, मोहित जी जो भी क्लिनिक बताएंगे या जहाँ से भी कराएंगे आपके, वो इनके परखे हुए होते हैं, इनसे मिले हुए होते हैं पहले। एक बार मैंने कहीं ना कहीं विजिट किया होता है वहाँ पर क्लिनिक में जा करके कि भाई कैसा क्लिनिक है, कैसे डॉक्टर हैं। रिजल्ट भी देखे होते हैं इन्होंने। रिजल्ट के बिना कोई क्लिनिक चूज नहीं किया जाता। जहाँ पर रिजल्ट नहीं है वहाँ पर मैं तो कभी जाता ही नहीं करवाने किसी का, क्योंकि मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, मैंने फील किया है कि क्या पेन होता है और मैं नहीं चाहता कि हर कोई बंदा इसके इस पेन के साथ रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। मिलोगे? बिल्कुल मिलेंगे, है ना। तो अगली बार जब ये पीआरपी करवाएंगे ना कभी, तब मैं फिर से आऊँगा, मैं भी अपनी पीआरपी करवाऊंगा, ये भी अपनी पीआरपी करवाएंगे। चलो दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये दोनों काम तो जरूर करना। हाँ ठीक है, चलो आप तो बोलते, चलो मिलेंगे अगली बार। बाय बाय, टेक केयर।